दोस्तों, आप कंप्यूटर के अंदर CONPRN और नूबल जैसे नाम अगर आप न्यू फोल्डर की जगह टाइप करते हो तो वो फोल्डर क्यों नहीं क्रिएट होता? और क्रिएट भी होता है तो कैसे, किन चीज़ों का यूज़ करके हम क्रिएट कर सकते हैं? तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है तेजस, आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल तेजस यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो CON और PRN है और साथ ही साथ NULN है और काफ़ी सारे नाम हैं इसे। ओके, इतने तो मैं बता भी नहीं सकता, हालांकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर बताते जाओ तो। ओके, तो इसे कई सारे नाम हैं तो। लेकिन भाई, ये जो नाम है ना, ये हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते किसी भी फोल्डर के अंदर? और यूज़ भी कर सकते तो कैसे, वो तो बताने वाला हूँ। लेकिन और भी बताने वाला हूँ कि क्यों सेव की नहीं, क्यों नहीं कर सकते? हाँ, हम टाइप वाइप तो कर सकते लेकिन वो सेव ही नहीं हो सकते। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो कंप्यूटर है उसके अंदर काफ़ी सारा डेटा होता है। आपका जितना भी डेटा है उतना डेटा, आपकी कोई एप्लीकेशन है उसका डेटा, डेटा 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 भर भर के डेटा, भर भर के डेटा, भर भर के डेटा, इतना डेटा होता है कि बस। ओके, बहुत ज़्यादा डेटा होता है उसके अंदर। मतलब अभी आपने सिर्फ एक एप्लीकेशन डाउनलोड की, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर उसके अंदर क्रोम डाउनलोड किया है तो क्रोम के एक एक फाइल्स, एक एक फाइल्स, अलग अलग चीज़ें होती है उसके अंदर। ओके, तो ऐसा होता है। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत सा, अभी तो थोड़ा सा लॉजिक आपका चल गया होगा, थोड़ा सा समझ गया रहा होगा आपको। और अभी तो जो उसके अंदर सिस्टम फाइल्स भी होती है ना, तो जो CON है और PRN है और NULN है, इन जैसे कई सारे नाम हैं, वो नाम है कि नहीं, सिस्टम के अंदर एक फाइल्स होती है जो कि उन्होंने मतलब कुछ फाइल्स होती है ऐसी सिस्टम के अंदर जिन्होंने ऐसा तैयार करके रखा है कि इस नाम की एक ही फाइल्स चल सकती है। आप ऐसा भी कह सकते हैं VIP फाइल्स। ओके, VIP फाइल्स होती है वो। ओके, इसीलिए आप इन नाम की फाइल्स बना नहीं सकते, और बना भी सकते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करके, उसे CMD भी कहते हैं, तो उसका यूज़ करके आप सेव कर सकते हो इन नाम की फाइल्स। और यही तीन नाम नहीं है, और भी कई सारे नाम हैं, हालांकि मुझे नेट पर इतने नाम नहीं मिले। ओके, तो आई थिंक आपको समझ गया होगा कि हम क्यों नहीं कर सकते अपना CON PRN एनुअल नाम की फाइल सेव। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपकी इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ नहीं, जस्ट बाय।